हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियरंजन मिश्रा आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रिय नॉलेज शेयरिंग में स्वागत करता हूं। आजकल सभी का घरों में पानी का पंप यूज होता है। जो सप्लाई लाइन में पानी आता है या बोरवेल से या कुएं से वो पानी को छत के ऊपर लेते हैं, फिर वहां पे जो टैंक होता है उसमें फिल करके बाद में यूज़ करते हैं। लेकिन आप कभी देखे हैं क्या कि जो पंप का जो सक्शन पाइप है वो डिस्चार्ज पाइप से बड़ा होता है? क्यों बड़ा होता है, आज का टॉपिक वही। आज का वीडियो में देखेंगे कि पंप का जो सक्शन लाइन है वो क्यों डिस्चार्ज से बड़ा होता है। अगर आप मेरे चैनल में नए देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बिना लेट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पंप क्या है? पंप इज ए डिवाइस व्हिच मूव्स फ्लूइड्स बाय मैकेनिकल एक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पंप एक डिवाइस है जो कि एक जगह से दूसरे जगह को लिक्विड भेजने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर जो एनिमेशन देख रहे हो पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये फ्लूइड को डिस्चार्ज कर रहा है। और लेफ्ट साइड जो पिक्चर है देखिए, सक्शन लाइन जो लिखा है वहाँ से पानी और जो भी लिक्विड होगा वो लिक्विड आता है पंप के मदद से, फिर ऊपर की तरफ डिस्चार्ज में चला जाता है। व्हाई पंप सक्शन पाइपलाइन साइज इज बिगर दैन डिस्चार्ज पाइपलाइन, ये क्यों सक्शन का जो पाइपलाइन साइज है वो डिस्चार्ज है क्यों बड़ा है? सक्शन लाइन्स आर जनरली डिजाइंड टू कीप फ्रिक्शन लॉसेस टू मिनिमम। एक्चुअली फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए सक्शन पाइप को बड़ा रखा जाता है। वी नीड मिनिमम रेजिस्टेंस द सक्शन साइड टू रिड्यूस द लॉसेस एंड इंक्रीज द NPSS। अगर फ्रिक्शन लॉस को कम रखेंगे, जितना होगा उतना कम करेंगे, तो फिर ये जो NPSS है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल है वो ज़्यादा रहेगा NPSS R से, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड से। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है पंप को वो उसका वैल्यू देता है, उससे हमेशा हमको NPSS ज़्यादा रखना है, नहीं तो पंप में कैविटेशन शुरू हो जाता है, पंप में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। This is done to make sure there is enough net positive suction head available to meet the requirements of pump. ये जो NPSS है कि NPSS R से ज़्यादा रखना पड़ता है, तब जाके पंप अच्छे से काम करता है। Then at higher velocities the greater friction causes noise, higher energy cost and increasing erosion, particularly if the fluid contains suspended solids. अगर उसका सक्शन का पाइप साइज को छोटा कर देंगे तो फिर उसका जो एरिया छोटा हो गया, एरिया छोटा होने की वजह से लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने के बाद उसमें नॉइज आना शुरू होगा, ज़्यादा आवाज़ आएगा उसमें से, और क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस बढ़ेगा और एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा, फिर आपका उसमें इरोजन ज़्यादा होगा, पाइप ज़्यादा इरोजन होगा, पाइप धीरे धीरे करके पाइप नष्ट हो जाएगा अगर वो लिक्विड में सस्पेंडेड सॉलिड्स आता है तो, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन है वो जो भी सस्पेंडेड सॉलिड आएगा वो पाइप के अंदर घिसते हुए आएगा तो फिर पाइप को ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। इफ द सिस्टम कंटेन्स नैरो पाइप्स इन सक्शन लाइन देन द फ्लूइड वेलोसिटी विल बी लॉट हायर एट दिस पॉइंट्स। अगर सक्शन पाइप को नैरो कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो फिर छोटा साइज कर देंगे, एरिया को कम कर देंगे, तो फिर उसका जो है लिक्विड का वेलोसिटी बढ़ेगा तो फिर फ्रिक्शन लॉस भी उसमें बढ़ेगा। और एक साइंटिफिकली एक रीजन है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। ये वेलोसिटी एंड एरिया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया कम होगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो फिर वेलोसिटी कम होगा। सक्शन पाइप का जो साइज है अगर उसको छोटा कर देंगे तो फिर उसका जो है एरिया छोटा हो गया तो फिर उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने के बाद आप जो पहले बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम होगा, फ्रिक्शन लॉस बढ़ेगा, नॉइज ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा, पाइप भी इरोजन होगा अगर लिक्विड में सस्पेंडेड सॉलिड आता है तो। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि NPSS जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल है वो कम हो जाएगा,
और पंप अच्छे से काम नहीं करेगा। ये सब प्रॉब्लम में आएगा अगर पंप का सक्शन साइज को अगर छोटा करते हैं तो, डिस्चार्ज के पाइप के हिसाब से। अगर डिस्चार्ज पाइप का साइज से अगर सक्शन पाइप का साइज जो बड़ा रखेंगे तो हमारा पंप अच्छे से काम करेगा। क्यों? ये अगर बड़ा रखते हैं साइज तो क्या हो गया, एरिया बड़ा हो गया। एरिया बड़ा होने से वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम होने की वजह से फ्रिक्शन लॉस कम होगा, नॉइज कम होगा, फिर आपका जो इरोजन है वो भी कम हो जाएगा और जो NPSH है वो भी NPSH 4 से ज़्यादा रहेगा जो कि रिकमेंडेड है। जो कंपनी का जो पंप का जो मैन्युफैक्चरर है वो ही वही रिकमेंड करते हैं ऑलवेज NPSH 4 लेस देन NPSH A, मतलब NPSH A से हमेशा NPSH 4 छोटा होना चाहिए और NPSH A ऑलवेज NPSH 4 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो अवेलेबल है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल है वो हमेशा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर पंप में कैविटेशन होगा, पंप में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही था। क्यों सक्शन पाइप का साइज हमेशा डिस्चार्ज से बड़ा रखते हैं साइज में? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।